सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अलग अलग तरह का कैलकुलेटर का यूज़ करके अलग अलग तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको ईमेल द्वारा प्राप्त होगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सीखते हैं आज का अध्याय। तो देखिए, अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक जैसा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग अलग तरह के कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गूगल के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप करना है आपको calculator.com, उसके बाद देखिए ये साइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइट पे देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे आप तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिखाया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आप जिस तरह का सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए परसेंटेज के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है परसेंटेज जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, फिर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अमाउंट और उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू, जो भी है वो सारी चीज़ डाल के यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करेंगे आप तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो है वो खुल के आएगा यहाँ पे। तो देखिए स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो है वो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे खुला है, लेकिन यहाँ पे काम करेगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे 558 हमने दे दिया और इसको इनटू कर देते हैं हम 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चलिए मैं क्लियर करता हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं 7 इंटू। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलता है इस साइट पे। तो उम्मीद है ये साइट आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो जो है भेज दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट है या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।